हेलो गाइज, वेलकम टू NGC टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की टॉप 5 वेब सीरीज के बारे में जो हिंदी में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी खाली बैठे हो और नेटफ्लिक्स की कुछ अच्छी वेब सीरीज को देखना चाहते हो हिंदी में, तो इस वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहो। नंबर 5, लॉस्ट इन स्पेस। लॉस्ट इन स्पेस 2018 में रिलीज एक स्पेस ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स को ये सीरीज पसंद आई थी। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन हैं और दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। इस सीरीज के दोनों सीजन में 10-10 एपिसोड हैं और एक एपिसोड लगभग 50 मिनट का है। दोस्तों, अगर सीरीज की बात करें तो इसकी कहानी रॉबिन्सन फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। रॉबिन्सन फैमिली कुछ लोगों के साथ धरती को छोड़कर अल्फा सेंटोरी की तरफ निकली हुई है, लेकिन किसी कारण उनके स्पेसशिप में कोई खराबी आ जाती है और किसी अनजान ग्रह पर वो भटक जाते हैं। इसके बाद इसके आगे की कहानी उनके रेस्क्यू की है कि किस तरीके से वो बाहर निकलते हैं। दोस्तों, ये सीरीज काफी अच्छी है, इसलिए आपको एक बार तो इसे जरूर देखना चाहिए। नंबर 4, टाइटंस। टाइटंस एक सुपर हीरो ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और 94% गूगल यूजर्स को यह सीरीज पसंद आई थी। दोस्तों, इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं, जिसमें पहले सीजन में 11 एपिसोड हैं और दूसरे सीजन में 13 एपिसोड हैं। हर एपिसोड लगभग 50 मिनट का है। दोस्तों, अगर इस सीरीज की बात करें तो यह DC के सुपर हीरोज के ऊपर आधारित है, जिसमें DC के सुपर हीरोज स्टारलाइट, रेवन और रॉबिन की स्टोरी दिखाई गई है। नंबर 3, यू एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और 91% गूगल यूजर्स को ये सीरीज पसंद आई थी। यू के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में 10 एपिसोड हैं। हर एपिसोड लगभग 50 मिनट का है। दोस्तों, अगर सीरीज की बात करें तो इसे देखने के बाद आपको एक तरफा प्यार की ताकत का पता चलेगा। इसमें जो गोल्डबर्ग नाम के एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो अपने प्यार को पाने के लिए अंतिम हद तक गुजर सकता है। इसलिए वह ऐसी ऐसी चीजें करता है जिसे करने के बारे में एक आम इंसान सोच तक नहीं सकता है। दोस्तों, एक बार इस सीरीज को देखने के बाद आपका लव स्टोरीज के प्रति नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। नंबर 2, द विचर। विचर एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है, जिसे IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली हुई है और 95% गूगल यूजर्स को ये सीरीज पसंद आई थी। विचर का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है और इसमें 8 एपिसोड हैं। हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। दोस्तों, अगर सीरीज की बात करें तो इसमें निविया के गेरोल्ट की स्टोरी दिखाई गई है। अगर आपने विचर 3 नाम का एक वीडियो गेम खेला होगा तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। दोस्तों, इस सीरीज को गेम से इंस्पायर्ड होकर नहीं बनाया गया है, बल्कि विचर नाम की नोवेल से इसे बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सुना है या देखा है, तो ये विचर 3 भी लगभग उसी तरह की एक वेब सीरीज है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 1, स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स एक साइंस फिक्शन सीरीज है, जिसे IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली हुई है और 97% गूगल यूजर्स को ये सीरीज पसंद आई थी। दोस्तों, इसके टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और तीनों सीजन के 25 एपिसोड है, जिसमें हर एपिसोड लगभग 50 मिनट का है। इस वेब सीरीज की बात करें तो ये नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज है। इसकी कहानी 80s पर आधारित है, जिसमें अमेरिका के इंडियाना के एक छोटे से शहर हॉकिंग्स में कुछ सुपर नेचुरल घटनाएं होती है और किस तरीके से कुछ बच्चे मिलकर उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यह एक माइंड ग्लोइंग सीरीज है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और एक बार तो इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं हॉलीवुड की और भी अच्छी वेब सीरीज और मूवीज के बारे में बताऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।